Hello everyone. I am Prem Kumar Patle from KV Number One chinwada Dear students, today I am here along with the fifth part of Writing and City Life. And dear students, in this section, in this session, we will read about life in the city. Dear students, in this session, we will especially focus on the life in the city. Under this session, under this section, we will see about the procedure of marriage as well as we will focus the mesopotamian society after that we will get an information regarding the city ur which was known as the earliest city of mesopotamia after that you will see which type of house construction were conducted in mesopotamian civilization and last we will see about the superstitious beliefs and their practices dear students this is the first slide of this session dear students in the first paragraph you will get an information regarding economic based differentiation sthiti जो अंतर है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा वी हैव सीन इज दैट अ रूलिंग एलिट हैड इमोज अ स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैड अ मेजर शेयर ऑफ वेल्थ प्यारे बच्चों हम देख चुके हैं कि नगरों की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें संभ्रांत वर्ग उच्च वर्ग उसका प्रादुर्भाव हो चुका था एंड स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैड अ मेजर शेयर ऑफ द वेल्थ और धन दौलत का जो ज़्यादातर हिस्सा था वो समाज के एक छोटे से वर्ग के पास था केवल सभी के पास नहीं था एक छोटा सा वर्ग था जिसके पास पूरी धन संपदा मौजूद थी नथिंग मैक्स दिस फैक्ट एज क्लियर एज द अनॉर्मस रिचेस एंड दे आर द नेम ऑफ सम थिंग्स प्रीसियस थिंग्स like jewelry, gold, gold vessels, wooden musical instruments led with white shells and lapis lazuli, ceremonial daggers of gold, etc. and buried with some kings and queens at ur. we got an information that these precious matters, precious things were buried with the kings and queens at ur. But this, in the vishal material, the कब्र और समाधियों के पास से मिली है वो ज़्यादातर ये देखा गया है कि उन कब्रों में जिनको कब्रों में गड़ाया गया था वो राजा या रानियों की कब्र थी जिनके पास से ये बहुमूल्य चीज़ें भी मिल पाई बट वाट ऑफ द ऑर्डनरी पीपल पर क्या ये आम आद्व, आम आदमी की स्थिति भी क्या ऐसी ही थी सो वी हैव टू मूव इन द नेक्स्ट पैराग्राफ टू गेट एन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस वन वी नो फ्रॉम द लीगल टेक्स्ट बेटा जो कानूनी दस्तावेज होते हैं उनसे हमें पता चलता है कि इन मेसोपोटामियन सिटी एंड मेसोपोटामियन सोसाइटी द न्यूक्लियर फैमिली वॉज द नॉम हमें पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था अल्दो अ मैरिड सन एंड हिज फैमिली ऑफन रिसाइडेड विद हिज पेरेंट्स हालांकि जो शादीशुदा बेटा और उसका परिवार होता था वो अक्सर अपने पिता के साथ ही रहता था एंड द फादर वाज द हेड ऑफ़ द फैमिली फादर अपनी परिवार का मुखिया होता था अ डिक्लेरेशन वाज मेड अबाउट द विलिंगनेस टू मैरी डियर स्टूडेंट्स नाउ यू विल गेट एन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोसीजर फॉर मैरिज ठीक है विच टाइप ऑफ प्रोसीजर्स वर फॉलो टू कंडक्ट मैरिज इन मैसोपोटामियन सोसाइटी यू विल गेट थ्रू दिस पैराग्राफ दिस सेंटेंसेस

गिफ्ट वॉज गिवन बाय द ग्रूम्स पीपल टू द ब्राइट्स पीपल अब जब विवाह की घोषणा होती थी तो वर पक्ष के लोग वधू के लोगों को कुछ उपहार देते थे ठीक है मतलब अगर विवाह तय हो जाता था तो वर पक्ष के लोगों को वधु पक्ष के लोगों को कुछ उपहार स्वरूप देना पड़ता था ठीक है एंड वैन अ वेडिंग टुक प्लेस और जब विवाह हो जाता था रस्म पूरी हो जाती थी गिफ्ट्स वर एक्सचेंज बाय बोथ पार्टीज फिर वो वर वधू दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे को आ, उपहार देना देते थे हु एट टूगेदर एंड मेड ऑफरिंग इन अ टेम्पल वो एक साथ बैठ करके के भोजन करते थे और फिर मंदिर में जा के भेंट भी चढ़ाते थे वैन हर मदर इन लॉ केम टू फैच हर बेटा जब वधू की जो सासू माँ है जब उसको लेने के लिए आती थी द ब्राइड वॉज गिवन हर शेयर ऑफ द इनहेरिटेंस बाय हर फादर तब वधू को उसके पिता की दाई का हिस्सा दे दिया जाता था द फादर्स हाउस हर्ड्स फील्ड्स एटसेट्रा वर इनहेरिटेड बाय दिशंस और पिता का घर पशुधन खेत आदि उसके पुत्रों से पुत्रों को मिलते थे तो दीज वर दी प्रैक्टिस इन मैसोपोटामियन सोसाइटी एंड दिस वर द प्रोसीजर फॉर मैरिज ओके बच्चों आपने फर्स्ट पैराग्राफ और सेकेंड पैराग्राफ के थ्रू आपने इंफॉर्मेशन गेन किया कि मैसोपोटाम uh, सोसाइटी में किस तरह की प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता था कौन अपनी फैमिली को लीड करता था हेड होता था आफ्टर uh, मैरिज जो है सन एंड हिज फैमिली ऑफन डिसाइडेड विद हिज पेरेंट्स ओके तो ये इस तरह की वहाँ की स्थितियाँ थीं नाउ डियर स्टूडेंट्स विल गेट एन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऊ द अर्लिएस्ट सिटी डियर स्टूडेंट्स ऊर वॉज द अर्लिएस्ट सिटी विच हाव बिन एक्सकेवेटेड इन नाइनटीन थर्टीज बेटा ऊर मेसोपोटामिया का एक ऐसा शहर था जिसके एक्सकेवेसन टास्क को जिसकी खुदाई के कार्य को नाइनटीन थर्टी में कन्डक्ट किया गया था एंड देर आर सम फीचर्स रिलेटेड टू ऊर सिटी Number one, there was a narrow winding streets indicate that wheeled carts could not have reached many of the houses. Ye <mimples> ko excavated gaya tha that was excavated very systematically and that, that was conducted the excavation was conducted in the ordinary houses of the uh, old town okay and according to the excavation, Archaeologists found some features of the Ur city like number one, narrow winding streets. Okay, and number two, they used donkey to uh, carried sacks of uh, grain and firewood. Number third, there was absence of town planning. Number four, there was no street drains. Okay, just like the Mohan Zodaro. स्ट्रेट ड्रेन्स भी नहीं थे नंबर फोर नंबर फाइव आर्क्योलॉजिस्ट गॉड सम ड्रेन्स एंड क्ले पाइप्स इन द इनर कोर्ट याड ऑफ द ऊर हाउसेस दिस आर द स्पेशल फीचर्स एंड अनादर वन इफ वी वांट टू एड इन दिस फीचर्स दन द हाउज रू स्लोब इनवर्ट्स ओके दिस इज द एनादर फीचर ऑफ दिस हाउसेज वैसे उर ऊर के जो है बेटा ये कुछ स्पेशल फीचर में इसको भी हम शामिल कर सकते हैं ठीक तो ये ऊर सिटी का एक छोटा सा जस्ट मैंने अभी आपको बतलाने की कोशिश किया अब मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ जस्ट सी इन द लाइन नंबर थर्ड नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट इंडिकेट दैट वर्ल्ड कार्ड्स कुड नॉट हैव रिज्ड मैनी ऑफ द हाउसेस बेटा जो सकरी गलियाँ थी टेढ़ी मेढ़ी सकरी गलियाँ थी उससे ये पता चलता है कि इसमें पहियों वाली जो गाड़ियाँ थी वो अनेक घर तक पहुंच ही नहीं सकती थी तो इससे काफ़ी समस्याएं होती रही होगी जैसे हमें कोई सामान लेकर जाना है कोई अनाज लेकर जाना है बोरे लेकर जाना है ईंधन लकड़ियाँ गट्ठे ये सब लेकर जाना है तो कैसे ले जाएंगे तो सैग्स ऑफ ग्रीन एंड फायर उड वुड हैव अराइड ऑन डोंकीज बैग तो ये होता था कि गधे पर लाद करके सब सामान घर तक ले जाया जाता था ठीक है एंड नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट एंड द रेगुलर शेप्स ऑफ हाउस हाउस प्लॉट्स ऑलसो इंडिकेट एन एबसेंस ऑफ टाउन प्लानिंग तो इससे यह पता चलता है ये पतली और घुमावदार गलियों तथा जो घरों का जो भूखंड का आकार था ठीक है जो सिस्टमैटिकली प्लॉट नहीं थे हाउस कंस्ट्रक्शन सिस्टमेटिकली नहीं था तो इसे हमें पता चलता है कि वहां जो हाउस टाउन प्लानिंग है नगर नियोजन है उस पद्धति का अभाव था ठीक है देर वाज नो स्ट्रीट ड्रेंस ऑफ द काइंड इन कंटेम्प्री मोहनजो दारो ये कहता है कि उसके समकालीन जो नगर सभ्यता थी नगरी सभ्यता मोहनजोदाड़ो उसमें जो हमें ड्रेनेज सिस्टम मिला था जल निकासी की व्यवस्थाएं हमने जो देखी थी वैसी यहाँ पर उपस्थित या यह, यहाँ पर नहीं पाई गई थी ड्रेनस एंड क्ले पाइप्स वर इनिशिएटेड फाउंड इन द इनर कोर्ट यार्ड ऑफ द ऊर हाउस बच्चों यहाँ जो नालियाँ जल निकासी की नालियाँ और मिट्टी की नलिकाएँ जो मिली है ऊर नगर के घरों में वो उनके घरों के भीतरी आंगन में पाई गई है जिससे क्या समझ में आता है देखिएगा कि घर की जो छतों का ढलान रहा होगा वो भीतर की ओर होता रहा होगा ठीक है ताकि जो ऐसा इसलिए किया जाता था बेटा इट हैज थॉट दैट हाउस रूफ स्लोप्ड इनवर्ड्स अंदर की ओर रहा होगा उनका छत का जो छत है जो ऐसा इसलिए किया जाता रहा होगा कि रैन वाटर वस चैनल वाय ड्रेन पाइप्स इन टू सम्स इन द इनर कोर्ट यार्ट तो इसका इससे क्या होता था कि जो वर्षा का पानी का जो निकासी थी वो नालियों के माध्यम से भीतरी आंगन में हौज बना रखे थे शम्स बना रखे थे उसमें उसको लेकर के जाया जाता था मतलब बाहर नहीं जाने दिया जाता था जो शम्स बनाए जाते थे आज देखते हैं आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तहत जो हौज तैयार किए जाते उसी तरह का, का एक कॉन्सेप्ट वहाँ पर चलाया जा रहा था अब इसमें अनुमान क्या लगाया जाता है This would have been a way of preventing the unpaved street from becoming excessively slushy after a downpour. पॉवर ये कहता है शायद इसलिए किया जाता था ताकि एक साथ जब तेज बारिश हो जाए तो घर के पास की जो कच्ची गलियाँ होती थी वो बुरी तरह कीचड़ से न भर जाए क्योंकि सभी के घर अगर आउटवर्ड्स जिसकी स्लोप है जिसकी स्लोप जो है रूप्स हैं वो आउटवर्ड्स होंगे बेटा तो सभी का पानी जो है ना गलियों में गिरेगा और वो कच्ची नालियाँ हुआ कर कच्ची गलियाँ हुआ करती तो, तो मिट्टी जो है कीचड़ जो है घरों में ना भर जाए इस चीज़ से बचने के लिए शायद इस प्रैक्टिस को या इस तरह के कंस्ट्रक्शन को प्रायोरिटी दी जाती रही होगी इट पीपल सीम टू हैव स्वैप्ड ऑल देयर हाउस होल्ड्स रिफ्यूज इन टू द स्ट्रीट्स बच्चों आप और हम सभी लोग जो अपने घरों की सफाई करते हैं जो कूड़ा कचरा निकलता है उसे हम प्रॉपर डस्टबिन में डालते हुए कचरा गाड़ी आती है उसमें हम उसको डाल देते हैं लेकिन वहाँ क्या होता था वो देखिए क्योंकि वो ये अभी की स्थिति और तब की स्थिति कैसी थी मैसोप्टा की वो समझते हैं लोग अपने घर का सारा सारा जो कूड़ा कचरा था ना वो बुहार करके गलियों में डाल देते थे ठीक है टू बी ट्रोडन अंडर फूड और इससे क्या होता था कि जो आने जाने वाले लोग होते थे उनके पैरों के नीचे वो आता रहता था दिस मेड स्ट्रीट लेवल्स राइज एंड ओवर टाइम द thresholds of houses had also to be raised so that no mud would flow inside after the rains. अब क्या हुआ कि जब कूड़ा कचरा बाहर डालते गए तो गलियों की जो सतह थी गलियों की जो हाइट थी वो वो लेवल जो था वो रेज होने लगा ऊँचे उठने लगा अब इसके कारण क्या हुआ कि कुछ समय बाद घर की जो दहलीज़ होती दरवाज़ा होता था उसको भी ऊंचा उठाना पड़ता था वो इसलिए ताकि जो वर्षा का पानी है बारिश का पानी है वो कीचड़ के साथ बह करके घर के अंदर ना जाए अगर रोड ऊंची हो जाए घर नीचे हो जाए तो बारिश का सारा पानी कचरा कीचड़ के साथ कहाँ जाएगा घर के अंदर आ जाएगा लाइट कैम इन टू द रूम्स नॉट विंडो बट फ्रॉम डोर वे ओपनिंग इन टू द कोर्ट याड्स बच्चों एक इन्फॉर्मेशन ये भी मिलती है कि कमरों के कमरों के अंदर रोशनी खिड़कियों से नहीं बल्कि उन दरवाज़ों से होकर आती थी जो आंगन में खुला करते थे इससे एक चीज़ सामने ये आती है कि हाउस कंस्ट्रक्शन में हो सकता है कि वहाँ पर विंडो ही ना हो और दूसरी चीज़ ये निकल के आती है कि दिस वुड आल्सो हैव गिवन फैमिलीज देयर प्राइवेसी हो सकता है कि घरों में uh, या उनके परिवारों में घरों के परिवारों में प्राइवेसी यानी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए इस तरह की कंस्ट्रक्शन uh, को प्रायोरिटी दे दी गई हो ऐसी ही संभावना व्यक्त की जाती है डियर स्टूडेंट्स वैन वी गो टू अ वी मूव इन द नेक्स्ट स्टेप वी गॉट एन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सुपर स्टिशंस प्रैक्टिस विच वर कंडक्टेड इन मैसोपोटमियन हाउसेस देर वर सुपर स्टिशंस अबाउट हाउसेस रिकॉर्डेड इन ओमन टैबलेट एट ऊर कहता है कि ऊर के जो घर थे ऊर के घरों में इस बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वहाँ अंधविश्वास प्रचलित था और जिसके विषय में ऊर में पाई गई शकुन अपशकुन संबंधित पट्टिकाएं लिखी हुई हमें मिलती है ओके okay? और रेस्ट थ्रेश होल्ड बॉट वेल्थ ओके ये क्या कह रहा बेटा जो अगर मान लीजिए घर की जो थ्रेश घर की जो दहलीज है वो अगर ऊंची उठी हुई हो तो घर में धन दौलत आती है अ फ्रंट डोर दैट डिड नॉट ओपन टूवर्ड्स एन अदर हाउसेज इज वॉज लकी और ऐसा घर अगर दरवाजे अगर सामने का दरवाजा किसी और के घर की ओर ना खुले तो वो क्या लेकर आता है सौभाग्य so लेकर ले के आता है लक लेकर आता है लकी होता है हमारे लिए बट इफ़ द मेन वुडन डोर अगर मेन जो वुडन डोर है ऑफ हाउस ओपन आउटवर्ड्स बाहर की ओर अगर खुलता है इनिशिएटिड ऑफ इनवर्ट्स अंदर की कोई और खुलने की बजाय बाहर की ओर खुलता है द लाइफ वुड बी अ टॉर्मेंट टू हर हजबेंड तो कहता है कि पत्नी अपने पति के लिए यंत्रणा यानी परेशानियां लेकर के आती है या यंत्रणा का वो कारण बनती है डियर स्टूडेंट्स देर इज ऑल्सो एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सीमेट्री ऑफ एट ऊर देर वॉज अ टाउन सीमेट्री एट ऊर इन विच द ग्रेव्स ऑफ रॉयल्टी एंड कॉमनर है बच्चों ऊर के नगरवासियों के लिए कब्रिस्तान भी था जिसमें शासकों और जनसाधारण की समाधियां भी पाई गई है बट अ फ्यू इंडिविजुअल्स वर फाउंड बरीड अंडर अ फ्लोर ऑफ ऑर्डनरी हाउसेज लेकिन कुछ लोग जो साधारण घरों में रहने वाले थे उन साधारण घरों के फर्शों के नीचे में भी इन्हें दफनाया गया है इसके कुछ साक्ष्य हमें मिलते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आज आपने सिटी लाइफ लाइफ ऑफ सिटी इसके बारे में आपने इन्फॉर्मेशन को गेन किया एंड दिस सेक्शन यू हैव गॉट एन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मेसोपोटामियन सोसाइटी एज वेल एज़ यू हैव गॉट एन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोसीजर ऑफ मैरिज यू गॉट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऊर सिटी एंड सम प्रैक्टिसेस विच वर कंडक्टेड इन सिटी ओके आई होप कि आपको आज कैसे समझ में आया होगा थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो